मेरा रांझण हुन कोई और, मेरा रांझण हुन कोई और, मेरा रांझण हुन कोई और, मेरा रांझण हुन कोई और। गौर पे आ कोई हो। गौर पे आ कोई हो। साजी मुझे इजाजत है फिर। कहाँ? वो दादी ने काम कहा था एक, वो करना है। ठीक है जा, कल से जल्दी आ जाइयो। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें याद है पहली दफा भी हम यहीं मिले थे? और मुझे लग रहा है आज आखिरी बार भी यहीं मिल रहे हैं। आते ही ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल बंद कर रही हो मेरी जान? कुछ तो खुदा से डरो, दो चार प्यार की बातें ही कर लो। तुम प्यार की बातें सुनने में लगे रहना और अगला आके मुझे ब्याह के भी ले जाएगा। क्या बना तेरी जासूसी का? कोई सबूत मिला मेरे मंगेतर के खिलाफ या अभी भी अल्लाह के आसरे पर हो तुम? सबूत से ज्यादा मेरी जुबान पर यकीन करो, जो कसम उठवानी है उठवा लो। मैं सच कह रहा था, उसकी दुबई में नौकरी जा चुकी है। तुम भी मेरा यकीन कर लो, अम्मा आबा बगैर किसी सबूत के यह मंगनी नहीं तोड़ेंगे। कोई सबूत ला रोशन, सबूत। ऐसा करता हूँ, अरबियों से जाके लिखवा लाता हूँ कि तेरे मंगेतर को निकाल दिया है, इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या ख्याल है? बस हो गई तेरी चवले शुरू। कहाँ से लाऊं सबूत, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरीका है उस्ताद जी के सामने सच लाने का। बताओ। जहांगीर के सर पे कुरान रख के पूछा जाए कि उसकी नौकरी है या चली गई। शरीयत की मार मारनी चाहिए बेहया को। किसी से कुरान उठवाना शरीयत नहीं है, जहां सबूत होता है वहां कुरान उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जुम्मे को आएगी उसकी माँ हमारे घर। क्यों? शादी की तारीख लेने। तुमने तो कहा था अभी 6-8 महीने हैं मेरे पास। अब नहीं है, जल्दी है अनुरुक्ति की।